वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और जस्ट निकल रहे हैं दूध लाने के लिए और डस्टबिन जाना है कूड़ा फेंकने के लिए। चलिए, डस्टबिन बाहर रहता है तो इकट्ठा एक दिन का कूड़ा ले जाके वहाँ पे फेंक देते हैं। सो चलते हैं। सो ऐसा है कुछ शानदार मौसम, कभी कभी धूप भी अच्छा लगता है, ऐसा ही कुछ आ जाए। कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रहा था, इस वजह से मौसम एकदम ठंडा बना हुआ था। सो अब थोड़ा मौसम साफ हुआ है और हल्का सा धूप निकला है, इसलिए काफ़ी अच्छी फील आ रही है। फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है, शाम तक देखते हैं क्या होता है। ये है दूध की दुकान। सो फाइनली ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और ब्रेकफास्ट में है ब्रेड ऑमलेट। वो लंच रेडी हो गया है और लंच में चपाती, दाल और है आलू बोदी की सब्जी। तो चलते हैं, लंच फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बज चुके हैं 1:40 और निकलते हैं। सो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है और हल्का हल्का धूप है और संडे है तो कंप्लीट लॉकडाउन है, तो इमरजेंसी चीज़ें खुली हुई हैं। फिलहाल तो सड़कों पे एकदम सन्नाटा ही है, आसपास वाले ही अपने घर से बाहर निकले हुए हैं बस, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ बाइक का, मतलब अपने कलीग का जिसके साथ जाऊंगा, और 2-3 मिनट तो वेट करने ही हो। सो मिलेंगे शिफ्ट ऊपर के बाद, आई थिंक 8.5 आवर, 8.5 घंटा बाद। सो ब्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। सो गाइस, तो जस्ट रूम पे पहुंच रहे हैं और अभी बज रहा है 10:20। चलते हैं, थोड़ा डिनर उनर की तैयारी करेंगे। दोपहर में कुछ रोटी वगैरह था उसको गर्म करते हैं और अंडा भुर्जी बनाते हैं। ये है आज का डिनर और देन कुछ एक्टिविटी होगा तो करेंगे, बर्तन वर्तन धुलेंगे फिर सो जाएंगे। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। टेक केयर, गुड बाय।